जिला कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा के अंतर्गत भलुआ नामक स्थान पर अब तक सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 450 कनाल जमीन खाली पड़ी है और ये सड़क तीन पंचायतों को जोड़ती है। सड़क की सुविधा न होने के कारण धीरे धीरे इस गांव के लोग अपने पैतृक घरों को छोड़कर अन्य स्थान पर जाने को मजबूर हो चुके हैं। इस मार्ग पर एक तरफ देहर खंड पड़ती है और दूसरी तरफ एक पांव रास्ता है, जिस कारण इस रास्ते पर दो पहिया वाहन भी नहीं चल सकते। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई बीमार होता है तो उसे कंधे पर उठाकर तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके सड़क तक पहुंचाना पड़ता है और बरसात के मौसम में सड़क लबालब भरी होती है। ग्रामीण वासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार मंत्रियों को भी इस बात से अवगत करवाया है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने सड़क बनाने के लिए कदम नहीं उठाया। ये तो आने जाने की सुविधा है, अच्छा बीमार शुमार हो जाइए तो कोई रास्ता नहीं, करे मरना पे गया ब्याह च भी लंघने जोगा कोई रास्ता नहीं गया, कने उपर तो था ही नहीं रास्ता बन गए तो अगली मांग करके भी साकी पानी भी चाहिए, जमीन सारी 400 कनाल जमीन है पलो दी सारी इस वेला बर्बाद पी हो, कोई टाला नहीं आना चाहता, कने ना कोई बहना चाहता, पानी मुकी गया ना पीने का पानी ना जमीन का पानी, जिन्नी दिन टपना तिन्नी रुढ़ी जाना लगी जाना धक्का। नौजवान पुत्र मेरा 40-42 साल का दया रुढ़ के चली गया, क्या करना कुछ कराइए, सरकार मांग करिए सरकार सुनाई नहीं करा दी, कोई सारी सुविधा नहीं बना ली, 45 साल हो चुके मैं वोटा देंदे सरकार की, यही मांग ही मेरी भी साखी पानी चाहिए कने रस्ता चाहिए, अज तक साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई कुछ, ना बीजेपी वाले की थी ना कांग्रेस ने की थी। नाम आपका? उधम सिंह जी। कहाँ आपके घर? तालिया में जी, तालिया सनाट। तो क्या बात आप रोष प्रकट कर रहे हैं? रोष प्रकट ये है कि जब से हमने वो संभाला है तब से हम देख रहे हैं, हमें किसी भी सरकार से जहाँ कोई सुविधा नहीं मिली, ये जो जमीन है हमारी तीन पंचायतों से बिलोंग करती है, ना ही किसी प्रधान ने और ना ही किसी MLA ने, बीजेपी कांग्रेस ने किसी ने भी हमारी आज तक कोई अहमत नहीं समझी, सुनाई नहीं की। 456 कनाल जमीन है हमारी, आज तक हमने नहीं चलने के कारण भी इस जमीन को यथास्थिति बनाए रखी है, जंगल बनने नहीं दिया। पंच घर टिका पड़ो इत बस देना, आने जाने का साधन कोई नहीं आई, मरी जा कुछ भी हो जा कोई सरकार सुनाई नहीं आई, कहाँ जाइए, कोई पाकिस्तान दे तो है नहीं, असें बस है तो हिंदुस्तान दे ही है, यहाँ कोई भी रास्ता नहीं है, ना इस जमीन को चलाने के लिए कोई जगह है, साधन कोई नहीं है, एक साइड नदी है, कोई ट्रैक्टर नहीं पार करता है, जमीन बर्बाद हो रही है। 5 घर जहाँ ऐसे हैं कि जहाँ 15 घर थे और 5 रह गए, 5 में से भी वो भी भाग रहे हैं। मैं सिर्फ प्रशासन से यही कहना है कि हमारी जो भी जमीन है इसके बारे में सोचे, यानी कि रास्ते के बारे में, पानी के बारे में, ऐसी सुविधाएं जो हमें उपलब्ध कराई जाए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने हमारी समस्या को सुनने के लिए इतनी दूर से यहां पहुंचे हुए हैं। यहां पे 15 से 20 घर थे जो रास्ता नहीं होने से आज 4 और 5 घर है, बाकी सारे लोग यहां इस गांव को छोड़ के चले गए हैं। एक साइड में देर खाडा सामने और ऊपर का जो रास्ता है वो अभी भारी बारिश के कारण जो वो टूट चुका है, ना कोई प्रशासन ना कोई सरकार, कांग्रेस और बीजेपी सरकारें बीजेपी भी आई कांग्रेस की भी आई, उन्होंने अपनी राजनीति की और हमारे बारे में किसी भी सरकार ने आज दिन तक नहीं सोचा। और 450 कनाल जमीन है जो आज भी बिना ट्रैक्टर बिना रास्ते से जो खाली पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से, कांग्रेस सरकार से हम गाँव वासियों की बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि इस गाँव के लिए कोई रास्ते का प्रावधान किया जाए ताकि लोग अपनी रोजमर्रा को जिंदगी को जी सकें, बच्चे स्कूल तक पहुंच सके और गांव वालों की जो परेशानी है उसका समस्या का हल किया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।